नमस्कार दोस्तों, कहते हैं आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। पांच शहर पांच खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात होगी यूपी में होने वाले निकाय चुनाव की। फिर चलेंगे उत्तराखंड, जहां चारधाम यात्रा पर कोरोना इफेक्ट हावी होता नजर आ रहा है। उसके बाद बात करेंगे अतीक से जुड़ी ताजा खबरों की। फिर सीतापुर में दबंग नेता की दबंगई आपको दिखाएंगे। और आखिर में अलीगढ़ ले चलेंगे, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं पांच शहर पांच खबर। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को सभी सियासी दल 2024 के लोकसभा चुनाव के रिहर्सल के तौर पर देख रहे हैं। सभी दलों की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी है और यही वजह है कि बीजेपी सपा बसपा कांग्रेस सभी इसे लेकर अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में व्यस्त हैं। अगर पिछले नगर निकाय चुनावों में देखें तो नगर निगम महापौर में बसपा ने बीजेपी ने 16 में से 14 और बसपा ने बाकी 2 सीटें जीती थी। वहीं सपा और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। पिछले चुनाव में खास बात यह थी कि कांग्रेस का प्रदर्शन मुख्य विपक्षी दल सपा से बेहतर था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निगम मेयर की 16 में से 5 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर थी, जबकि बात करें कांग्रेस की तो 6 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर यानी कि उपविजेता रही। तो निकाय का नगाड़ा उत्तर प्रदेश में बजना शुरू हो गया और निकाय के नगाड़े को लेकर तमाम राजनीतिक दल आके आ रहे हैं। हालांकि इस निकाय चुनाव में कौन मारेगा बाजी, ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 15 में से 16 में से अधिकतर सीटों पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का, तो वहीं बसपा का कब्जा 2 सीटों पर है। खुल पाएगा सपा का खाता या फिर बसपा मारेगी बाजी, या फिर पहले की तरह अधिकतर जो मेयर हैं वो बीजेपी के ही रहेंगे, कांटे की टक्कर है। लेकिन सवाल यही है कि निकाय किरण में निकाय के नगाड़े में कौन बनेगा सिकंदर। रणनीति तैयार करने में जुटे हैं सभी दल। तो निकाय का नगाड़ा उत्तर प्रदेश में बच चुका है। निकाय के नगाड़े में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने 16 में से 14 और बसपा ने बाकी 2 सीटें जीती थी, यानी कि 16 नगर निकाय की नगर निगम की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं बसपा पर 2 का कब्जा है। 2 मेयर हैं बसपा के, लेकिन मेयर किसी का नहीं है कांग्रेस पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। हालांकि समाजवादी पार्टी वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो हालांकि दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन सपा के लिए चुनौतियां अलग हैं, अनेक हैं। और क्या ये निकाय करण 24 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है, ये भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। प्रियम पाठक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रियम, निकाय का शोर सुनाई देने लगा है उत्तर प्रदेश में, किस दल की कैसी तैयारी का है? बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से तारीखें नज़दीक आ रही हैं और माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करके चुनाव का पूरा कार्यक्रम जो है वो जारी कर सकता है, तो उसके चलते ही अगर आप देखें तो लगातार अब सियासी दलों के बीच में भी जो गहमागहमी है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। बैठकों का दौर काफ़ी तेज़ हो चुका है और सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि निकाय चुनाव केवल निकाय चुनाव तक ही नहीं सीमित रहेगा, इसका साफ तौर पर असर जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है और कहीं ना कहीं इस बात को पॉलिटिकल पार्टियां बखूबी समझ रही हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर रोज बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर आप देखें तो हर रोज अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। बसपा की तरफ से भी जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। रविवार को जो है बसपा मुख्यालय पर बैठक हुई, आज प्रयागराज मंडल की बैठक जो है वो वहां पर बुलाई गई बसपा की। तो कहीं ना कहीं सभी दल जो है वो इस बात को जानते हैं कि निकाय चुनाव के नतीजे उनके लिए कितने जरूरी रहेंगे, क्योंकि चुनाव के इस तुरंत बाद जो है सभी राजनीतिक दल जो है वो 24 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे और कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव के नतीजे होंगे वो 24 के लिहाज से बूस्टर का काम करेंगे। और इसीलिए इस पार्टियां जो है राजनीतिक दल जो है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, इस ओर लगातार मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से समीकरणों को साधा जाए और किस तरीके से जीत को सुनिश्चित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जीती जाए। और साफ तौर पर अगर मुकाबले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल जो समीकरण है और जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है, समीकरणों को साधा जा रहा है, क्षेत्रीय समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, इसके अलावा जाति समीकरण है, सभी समीकरणों को साध के मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है और सभी पार्टियों का जो है वो प्रयास है कि इस चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस की जाए। हालांकि काफी हद तक कई ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय
प्रत्याशियों का भी बोलबाला साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। लंबे समय तक कह सकते हैं जो चुनाव है वो कानूनी दांवपेच के बीच में फंसा रहा। दिसंबर में निकाय चुनाव होने थे और जो कार्यकाल था वो पूरा हुआ था उस निकाय का, लेकिन जातियों को साधने की भी कवायदें शुरू हो गई हैं। आज हमने देखा प्रेम किस तरह से अखिलेश यादव ने काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया और बसपा के वोट बैंक पर असर डालने की कोशिश की। देखिए मैंने बिल्कुल पहले ही आपको बताया कि सभी दल सभी समीकरणों को साधने में लगे हैं, चाहे वो जाति समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर अन्य समीकरणों की बात की जाए। सभी का प्रयास है कि एक दूसरे में सेंधमारी की जाए, जो अपने वोटर हैं उनको बचा के रखा जाए और दूसरे में सेंधमारी की जाए। और इसीलिए अगर आप देखें तो लगातार इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आपने देखा कि किस तरीके से एससी वोटर को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी ओबीसी और एससी वोटर को लुभाने के लिए विशेष तौर पर जो एक सप्ताह है उसका जो है वो कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए प्रिया। तो निकाय को लेकर दंगल हो शुरू हो गया है और तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने से 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में संक्रमण रोकने के लिए सरकार की चुनौती बढ़ सकती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने की बात कही है। सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए समय पर सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 अप्रैल से पहले चरण यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात करने को कहा है। तो चारधाम यात्रा पर कोरोना का साया मंडराने लग रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक ली है और धन सिंह रावत ने बैठक करके निर्देश जारी किए हैं। दरअसल 22 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और ऐसे में देश भर में कोरोना का जो कहर है वो बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं और इसको लेकर अलर्ट है उत्तराखंड सरकार। 15 अप्रैल से पहले डॉक्टर तैनात होंगे, ये बात सामने आई है। संक्रमण जो है वो अब उत्तराखंड में प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। चारधाम यात्रा पर संकट के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं कोरोना के। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक लिया और स्वास्थ्य विभाग के साथ ये बैठक की है और इसके साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं, उनसे साझा किए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की बैठक में से क्या कुछ परिणाम निकलेगा और कितना अलर्ट हो पाता है उत्तराखंड में महकमा, क्योंकि अलर्ट तो जारी है कोविड का और चारधाम यात्रा क्या वाकई में कोरोना इफेक्ट डालेगा चारधाम यात्रा पर, एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन की अपनी तैयारी है, अपनी मौजूद सतर्कता है। अभय के अंतर्गत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, चारधाम यात्रा पर कोरोना का साया मंडराता दिख रहा है, क्या जानकारी? उत्तराखंड में इस समय कह सकते हैं कि कोरोना की जो रफ्तार है वो रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 30 नए मामले कोरोना का है, जिसमें अकेले 26 मामले राजधानी देहरादून के है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में आगामी दिनों में चारधाम यात्रा होनी है, लाखों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंचेंगे रोजाना, ये कह सकते हैं कि हजार संख्या में यहाँ पर लोग जिस प्रकार से जर्नी यहाँ पर करेंगे, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने की ज्यादा संभावना यहाँ पर है। उसको देखते हैं अभी से ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। लगातार विभाग की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, साथ ही जनता से भी अपील यहाँ पर की जा रही कि वो भी जो कोविड के जो प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर करें, ताकि किसी भी प्रकार से कोरोना संक्रमण आगे ना बढ़ सके, आम जनता इस कोरोना संक्रमण से प्रभावित ना हो सके। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक की तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की दिख रही है वो कोविड संक्रमण से लेकर ये कह सकते हैं कि जो दूसरी व्यवस्था यहाँ पर होनी थी उन सभी पर नाकाम साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेज उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं।
314 जहां पर अब तक कोरोना के जो एक्टिव केसेज हैं वो यहां पर हो चुके हैं। और पिछले तीन महीने के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले तीन महीने में जिस प्रकार से कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है वो सबसे बड़े सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि अगर समय रहते चारधाम यात्रा से पहले कोविड के प्रोटोकॉल से जो नियम है उन सभी का अगर पालन नहीं करते तो फिर आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। माफिया अधीक अहमद को 5 घंटे तक नैनी सेंट्रल जेल के बाहर प्रिविजन वैन में रखना नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह यादव को महंगा पड़ गया। महानिदेशक कारागार SN साबत ने जेल मैनुअल के मुताबिक जेल के भीतर काम न करने, लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत यादव को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा बरेली जेल अधीक्षक और बांदा जेल के अधीक्षक के खिलाफ भी निलंबन की कार्यवाही की गई है। उधर प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में छापेमारी के दौरान अतीक के बेटे अली अहमद की बैरक से आपत्तिजनक सामान, चम्मच से बनाए गए 15 चाकू, 11 लाइटर बरामद किए गए हैं। तो जेल अधीक्षक शशिकांत यादव को सस्पेंड किया गया है, मैनुअल में लापरवाही बरतने का आरोप है। बरेली जेल अधीक्षक भी निलंबित किए गए हैं, बांदा जेल अधीक्षक भी सस्पेंड हुए। नैनी सेंट्रल जेल में अचानक छापेमारी हुई और अली अहमद की बैरक से छापेमारी के दौरान चम्मच से बनाए गए चाकू, लाइटर्स और तमाम सारी आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई। शोएब रिजवी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब, नैनी सेंट्रल जेल के बाहर रखना अतीक अहमद को लगातार 5 घंटे तक महंगा पड़ता नजर आ रहा है पुलिस के अधिकारियों को। इसके साथ साथ नैनी सेंट्रल जेल से अली अहमद को अतीक के बेटे के बैरक से चाकू बरामद हुए, चम्मच से बनाए गए चाकू, लाइटर्स, क्या जानकारी, पूरी खबर क्या है, एक बार बताइए विस्तार से। देखिए, दरअसल ये शासन स्तर पे कहा जा सकता है जेल के जो वरिष्ठ अधिकारी उनकी तरफ से ये ट्रांसफर किए गए हैं, न सिर्फ नैनी बल्कि दो और ट्रांसफर किए गए अलग अलग जेल में। हालांकि ये इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि बरेली और नैनी जेल में इस वक्त हाई प्रोफाइल जो एक मामला चल रहा है उससे जुड़े लोग भी नैनी जेल में बंद हैं, तो चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन ये जो ट्रांसफर हुए हैं वो जेल के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से लखनऊ से किया गया है, और तमाम जो चीजें हैं उसको ध्यान में रख करके और जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस बीच में जो घटनाक्रम हुआ था तो उसमें एक घटनाक्रम ये भी है कि अतीक अहमद जब पिछले दिनों उमेश पाल अपहरण कांड के बाद उनको सजा होनी थी और यहाँ पे लाया गया था, तो उसके बाद जब सजा होने के बाद उन्हें नैनी जेल ले जाया गया था तो कुछ देर तक उन्हें नैनी जेल के अंदर नहीं रखा गया था, कई घंटे तक, तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा पिछले कुछ दिनों से कई जेलों में छापेमारी की गई है, बरेली जेल सहित प्रयागराज की जेल में भी छापेमारी की है। छापेमारी में कुछ चीजें ऐसा बताया गया प्रशासन की तरफ से कि कुछ आपत्तिजनक, हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से सारी खबरें हैं उसके आधार पर बताया जा रहा है कि वहां से कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली थी। किस कहां से मिली थी, किसके पास से मिली थी, इस बारे में कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज कार्रवाई की गई, तीन जेल के अधिकारियों को कह सकते उन पर कार्रवाई की गई, उससे ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि जेल के अंदर कहीं ना कहीं खेल की व्यवस्था है, और शायद यही वजह है कि जेल के जो आला अधिकारी उनका भी एक तरह से तबादला हुआ है, नए अधिकारी ने चार्ज लिया, उसके बाद ही उनका रुख साफ हो गया। उन्होंने जो तीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की उससे साफ हो गया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जेलों के अधिकारियों को एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है, और उसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि यानी कि मतलब साफ है इस तरह की अगर लापरवाही आगे हुई तो कतई वो बर्दाश्त काबिल नहीं होगी, शुएब, ये मान लिया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर शायद यही संदेश, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जेलों से जिस तरह से खबरें आई हैं, खास तौर से कुछ हाई प्रोफाइल जो लोग जेल के अंदर है उनकी जिस तरह से सुविधाएं मिलने की बात आई, फोन के इस्तेमाल की बात आई, साथ ही साथ पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की बहू का एपिसोड भी इस मामले में काफी हाईलाइटेड था कि वो बाकायदा जाके मिलती थी या नियमों के विपरीत मिलती थी, इस तरह की चीजें सामने आई थी। अभी अतीक अहमद पिछले दिनों जब आए थे तो उनको जेल के बाहर ही 5 घंटे तक रोका गया, इस तरह की चीजें आई थी। साथ ही साथ अतीक के बेटे अली भी यहाँ पे बंद है, छापेमारी भी बताया जा रहा है कि वहां से भी कुछ चीजें मिली हैं, तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि एक सख्त संदेश देने, क्योंकि जो टॉप लेवल है उसमें बदलाव हुआ है और वो अधिकारियों को एक संदेश देने की कोशिश वहां से हुई है कि जेल के नियमों के विपरीत अगर कोई गया तो चाहे वो जेल का अधिकारी क्यों हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शुभ तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।
माफिया अतीक अहमद को 5 घंटे तक नैनी सेंट्रल जेल के बाहर रखना अधिकारियों को महंगा पड़ा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के सीतापुर के एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर को उससे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नेता ने एम्बुलेंस ड्राइवर पर गालियों की बौछार कर दी। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस के आगे नेता की गाड़ी खड़ी थी, और जिस पर ड्राइवर ने नेता को टोका तो वो आग बबूला हो गया और कहा कि यहाँ सब नाम से ही खौफ खाते हैं। पूरा मामला सीतापुर के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक मरीज को लखनऊ के लिए रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस के आगे कार खड़ी होने के चलते एम्बुलेंस निकल नहीं पाई, जिसके चलते मरीज की मौत होने की भी बात सामने आ रही है। एम्बुलेंस ड्राइवर और मरीज के परिजनों ने जब इस पर नेताजी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने न सिर्फ भद्दी भद्दी गालियां दी बल्कि फर्जी मुकदमे में भी फंसा देने की धमकी दे डाली। मामला ये है कि 1 अप्रैल को हमारे एक अधिवक्ता सुरेश चंद्र राठौर जी जो कि रजिस्ट्री कार्यालय के सामने बैठते थे, उनको हार्ट अटैक पड़ा। हार्ट अटैक पर वो उन्हें अस्पताल लाया गया, तो उनके परिजन जो है जब यहाँ जिला अस्पताल से उन्हें रिफर किया गया लॉरी के लिए, तो रास्ते में एक वैगन आर कार खड़ी हुई थी जो कि उमेश मिश्रा नाम के व्यक्ति थी। उनके परिजन ने जब उसको हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उनके साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया और लगभग 45 मिनट तक उनकी वैगन आर वहीं रास्ते में अवरोध लगाए खड़ी रही, जिसके कारण उनकी एम्बुलेंस नहीं जा पाई और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण हम लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है और हम लोग उस आरोपी उमेश मिश्रा के खिलाफ FIR पंजीकृत कराना चाहते हैं जिसने हमारे अधिवक्ता की हत्या कारित करने का प्रयास किया है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज हो जाती है, उसकी कॉपी नहीं मिल जाती है। तो मोहित मिश्रा, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहित, नेताजी को टोका क्या, कहा गया गाड़ी हटा लीजिए एम्बुलेंस के आगे से, नेताजी आग बबूला हो गए और कहने लगे मुझसे लोग खौफ खाते हो, एक मरीज की मौत हो गई एम्बुलेंस के अंदर। मामला जो है सीतापुर के जिला अस्पताल का है, जो ये जो गाली बाज जो उमेश मिश्रा है, ये हरदोई जनपद के रहने वाले हैं और सीतापुर जिला अस्पताल किसी व्यक्ति का इलाज कराने पहुंचे थे, तो इन्होंने अपनी जो वैगनार गाड़ी है वो एम्बुलेंस के आगे खड़ा किया। जब एम्बुलेंस चालक ने इसका विरोध किया कि सर कृपया एम्बुलेंस के सामने गाड़ी ना लगाएं, तो उसको लेकर नेताजी आग बबूला हो गए और लगातार गालियों की बौछार करते रहे। यहाँ तक गालियां तो अलग से आवश्यक होकर सीतापुर के जो जिला अधिकारी हैं और सीतापुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको भी कहा, और इसी लेट लतीफे के चलते मोहित मरीज की मौत भी हुई है। जी बिल्कुल, इसी लेट लतीफे की जब इनसे अगर इससे बहसबाजी होती रही तो नेताजी लगातार बहसबाजी करते रहे, उसी के चलते जो अधिवक्ता थे जिनको हार्ट अटैक पड़ा था उनको बाहर जो लखनऊ रेफर किया गया था उसकी उसी में मौत हो जाती है। जी, ये शख्स किस पार्टी का नेता था, क्या नाम था इस नेता का? ये अपने आप को भाजपा नेता बता रहे हैं और जो है सीतापुर की जो मिश्रित ब्लॉक प्रमुख है वहाँ के ब्लॉक प्रमुख है राम किंकर पांडे, उनको अपना भाई भी बताते हैं। जी ठीक है, तो कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से, क्योंकि ये तो पूरा मामला हो गया कि आपने गाड़ी अड़ा दी एम्बुलेंस के सामने, गाड़ी को एम्बुलेंस को निकलने नहीं दिया और मरीज की मौत हो गई, तो ये तो पूरा का पूरा 302 का मामला बनता है। कार्रवाई की है पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर? जी, पुलिस ने इसमें जो है जब आज अधिवक्ता जो सीतापुर का बार एसोसिएशन है जब उसने कोतवाली का घेराव किया तो पुलिस ने आनंद फानंद में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर और अब मामले से एक्सरे भी कर ली है। जी, गैर इरादतन हत्या नहीं हुई ना, ये तो जानबूझ के हत्या हुई, क्योंकि नेताजी अगर गाड़ी हटा ले तो एम्बुलेंस निकल जाती, मरीज को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता, मरीज की जान बची जाती। नेताजी अगर गाली गलौज ना करते, झगड़ा ना करते तो फिर गैर इरादतन हत्या कैसे हो गई? खैर, गिरफ्तारी हो गई उस नेता की? जी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि ये जो गालीबाज जो उमेश मिश्रा हैं ये हरदोई जनपद के रहने वाले हैं, तो सीतापुर पुलिस अधीक्षक ने जब घेरा हुआ तो पुलिस अधीक्षक ने तत्परता दिखाते हुए गैर इरादतन का मामला दर्ज किया है और जो एक 6 सदस्यीय टीम बनाकर हरदोई जनपद के लिए रवाना कर दी गई है। हरदोई जनपद का थाना है, गोलक करके थाना है, वहाँ पे जो पुलिस रवाना हो गई है, 6 सदस्यीय टीम इनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मोहित, राजस्थान की बात कर लेंगे, जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू होने के विरोध में IMA के आह्वान पर अलीगढ़ के निजी क्षेत्र के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और इस दौरान सुबह से शाम तक सभी निजी अस्पतालों में OPD, इमरजेंसी, पैथ लैब और सभी सेवाएं बंद रहीं।
इससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप बंसल की माने तो संस्था के आह्वान पर सुबह से शाम तक सभी प्रकार की सेवाएं बंद रखी गईं और डॉक्टर हड़ताल पर रहे। उन्होंने इस कानून को लेकर सरकार से अपील की है कि निजी डॉक्टरों को इस कानून के दायरे से मुक्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। तो राइट टू हेल्थ बिल का विरोध जो है राजस्थान से लेकर अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक पहुंच गया है। प्रदीप पुंडीर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। प्रदीप, एक बार दर्शकों को इस लिहाज से समझाने की कोशिश कीजिए कि राइट टू हेल्थ लागू तो राजस्थान में है, राजस्थान में उसका विरोध हो रहा है, लेकिन राजस्थान से चिंगारी अलीगढ़ तक क्यों आ रही है? जी, आपको बता दें शिवम कि अलीगढ़ में जो IMA का जो बैनर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में इनके उसमें ये हड़ताल रखी गई थी, क्योंकि जो राजस्थान में राइट टू हेल्थ जो एक बिल पारित किया था राजस्थान सरकार ने, जिसमें कि डॉक्टरों को इमरजेंसी सेवाएं मरीज को देनी है वो भी बिना पैसे के, जिसका पूरा जो एसोसिएशन ने विरोध किया और उसके चलते पूरी हड़ताल रखी गई। नहीं, राजस्थान सरकार ने बिल पास किया है ना, UP सरकार ने पास नहीं किया है, तो अलीगढ़ में फिर विरोध क्यों? बिल्कुल, जो बैनर है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये पूरे देश में पूरी वो है एसोसिएशन है उसी के रहते कहा गया था, और अलीगढ़ भी जो सदस्य है उनके, क्योंकि IMA के रहे सारे डॉक्टर्स आते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन है उसी के तत्वाधान में ये हड़ताल की थी। तो और इसके साथ साथ आज मरीजों को खासा तकलीफ का सामना भी करना पड़ा होगा, प्राइवेट अस्पताल, OPD, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब सारी बंद रही, तो फिर मरीजों ने कहाँ रुक किया? सरकारी अस्पतालों में लाजमी है भीड़ आज बड़ी होगी, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल, क्योंकि अलीगढ़ जो है आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल हब है और यहाँ पे बहुत सी तादाद में बहुत से तमाम बड़े डॉक्टर और बड़े हॉस्पिटल हैं, तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत सारी बीमारी का इलाज कराते हैं। आज जिस तरह से अचानक ये हड़ताल हुई, इससे काफी सारे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर काफी प्रेशर आ गया, क्योंकि वो इससे सबसे निपटने के लिए पहले से तैयार नहीं थे और काफी भारी संख्या में जो मरीज अल्ट्रासाउंड वाले हो गए, जो महिलाएं हैं उनको वापस जाना पड़ा, जिससे कि जो मेडिकल है वहाँ पर काफी संख्या में दबाव बढ़ गया मरीजों का। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी काफी भारी संख्या में भीड़ देखी गई। तो आने वाले समय में क्या ये विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो सकता है अलीगढ़ में, और IMA के जो प्रवक्ता है उनका क्या कहना है, ये एक दिन का विरोध था या फिर आने वाले समय में और ऐसा इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? ये एक्चुअली इनका जो वो हड़ताल थी वो एक दिन की हड़ताल थी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो बिल पारित किया था राइट टू हेल्थ वो वापस लेने की घोषणा की है, कुछ बिंदु है जिनका भी प्रतिक्रिया रह गई है। तो जो डॉक्टर एसोसिएशन IMA के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि अभी कुछ बिंदुओं पर बातचीत जो है रह गई है, अगर वो नहीं मानी मांगे और नहीं मानी जाती है तो फिर हम दोबारा से हड़ताल पर जाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हालांकि राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल लागू है, लेकिन IMA ने जब आह्वान किया तो इसका जो असर है वो अलीगढ़ में भी देखने को मिला, जिसके चलते आज वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं, प्राइवेट अस्पताल बंद रहे, OPD बंद रहीं, पैथोलॉजी लैब्स बंद रहीं, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की जो विरोध की जो आग है वो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी देखी जा सकती है। हालांकि राइट टू हेल्थ जो बिल है वो राजस्थान में लागू हुआ है, उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन IMA के आह्वान पर इस तरह की जो कवायद हैं, जो विरोध है, वो डॉक्टर्स देशभर में कर रहे हैं। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।